तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जब भी आप फ्री फायर में यहाँ पर अपना नाम डालते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये क्यों आता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट एंड तक देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाइस, आप सभी को पता है कि यहाँ पर फ्री फायर के अंदर यहाँ पर डेटा पॉलिस रहता है सभी का। जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तब यहाँ पर गाइस, जब आप लॉगिन करते हैं तब आपका अकाउंट यहाँ पर रहता है। अगर आप अपने पुराने अकाउंट से इस नए अकाउंट को यहाँ पर मिला देंगे तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। यानी कैसे, यहाँ पर अगर आपने पहले से लॉगिन किया है वही नाम से पहले बना चुके हैं, अगर आप फिर से यहाँ पर ऐसे आप बना रहे हैं अकाउंट वही नाम डाल के, तो आपको नहीं बताएगा, आपका नाम यहाँ पर नहीं बताएगा, यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा आपको बताएगा। तो ये हैकर लोग भी यहाँ पर ये यूज़ करते हैं गाइज। अगर यहाँ पर आप आपका जो नाम है सेम नाम से अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा बताएगा। तो यहाँ पर सेम नेम से भी ऐसा होता है और हैकर लोग भी ऐसा करते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो भी हैक कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, आपको यहाँ पर सिंपली प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर सर्च करना होगा। फ्री फायर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट अगर दिखाता है तो यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको अपडेट नहीं दिखाता है तो यहाँ पर गाइज, जब भी आप यहाँ पर फ्री फायर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तब यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिए, ताकि जो भी हैकर्स वगैरह लोग हैं वो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो हैक ना कर सके। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।